दतिया में 24 जनवरी को पीएनबी बैंक के कियोस्क संचालक के साथ दिनदहाड़े हुई लूट का खुलासा दतिया पुलिस ने कर दिया है। गौरतलब है कि कोतवाली थाना क्षेत्र के गांधी रोड कुजनपुरा वाली गली में 4 नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने दिनदहाड़े 65,000 रुपए एवं लैपटॉप लूट ले गए थे। पूरी घटना कियोस्क सेंटर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों को चिन्हित कर तलाश शुरू कर दी और आज लूट के आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त अवैध हथियार सहित लैपटॉप और नकदी भी बरामद की है। 24 तारीख को आप लोग को संज्ञान में होगा, करीबन 12 दिन पूर्व अभिषेक शर्मा एक कियोस्क संचालक है पीताम्बरापुरी कॉलोनी में, इनके साथ 3 लोगों ने इनकी कियोस्क में घुसकर लूट की घटना करी थी। इसमें इनका कहना था कि करीब 65,000 रुपए और एक लैपटॉप इनके एचपी कंपनी का वो ले गए थे, जिसका एक फुटेज भी प्राप्त हुआ था। सभी आरोपी जो थे वो नकाबपोश थे और बड़ा मुश्किल था उनको चिन्हित करना। एडिशनल एसपी साहब, एसडीओपी साहब और थाना कोतवाली और थाना प्रभारी होना, इन्होंने बहुत मेहनत करके एक टीम गठित की। पूरी टीम ने करीबन अलग अलग संदेहों से पूछताछ करी और 100 से ज़्यादा कैमरे अलग अलग दिशाओं पर खंगाले। उसके बाद मुखबिर की सूचना से इन्हें एक आदमी का नाम क्लियर हुआ। इसमें अभी टोटल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से नगद राशि, एक जो मोटरसाइकिल इसमें घटना में प्रयुक्त हुई थी वो बरामद की गई है, जो लैपटॉप गया था वो इन्होंने एक कुथौदा गांव थाना इंद्रगढ़ में वहां पर पेड़ पर छुपा रखा था वो बरामद किया गया। इसमें 2 आरोपी अभी फरार है, ये हर्ष कुशवाहा, ये पादरी का रहने वाला है झांसी का, और रवि कुशवाहा मुरैना, ये दोनों अभी इसमें फरार हैं। 3 जो आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए उसमें एक बालकचारी है और 2 वयस्क है। उन दोनों को हरिशंकर और शिवम, इन दोनों को अभी गिरफ्तार करके ये सामान बरामद कर लिया गया। क्योंकि घटना बीच शहर की थी और दिन दहाड़े की थी इसलिए संगीन थी। 10,000 रुपये का इनाम प्रत्येक आरोपी पर घोषित किया गया था और इसमें पूरी थाना प्रभारी कोतवाली धीरेन्द्र मिश्रा, एसआई आकाश और उनकी टीम, साथ में थाना प्रभारी यादवेंद्र गुर्जर, राजेंद्र यादव, कुलदीप, भूपेंद्र गौर और हमारे साइबर सेल, इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन्होंने 12 दिन लगातार इसमें मेहनत करी और घटना को ट्रेस किया। इसमें से कुछ आरोपी हैं जिनके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी इंद्रगढ़ में दर्ज हैं और इसके संबंध में और भी इनसे पूछताछ की जा रही है और भी साइबर का डेटा निकाला जा रहा है। कहीं इनमें और इस तरह की किसी और जिले में घटना कारित की हो तो उसके संबंध में संबंधित जिले को भी अवगत कराया जाए।